हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चे जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बताओ बेटा, मेरी आवाज़ आप सभी को प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, ठीक है गाइस। तो जल्दी से एक बार सभी लोग बताओ, मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है प्रॉपर। जल्दी से बताइए बेटा, अगर आ रही है तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बेटा, दिस इज मयंक शुक्ला, योर एजुकेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आई हैव क्वालिफाइड मैनी एग्जाम्स लाइक कैट, एसएससी, सीजीएल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली 30,000 कोर्ट एंड मैनी मोर एग्जाम्स। आई एम अ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो बच्चे अगर आगे की बात देखें, जिसने भी अभी तक अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो बेटा आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा, अनअकैडमी के फीचर्स की बात करें तो आपको मिलता है रेज अ हैंड का फीचर, अनलिमिटेड क्विजेस का फीचर, एनी टाइम एनी वेयर क्लास अटेंड करने का फीचर, अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको द बेस्ट एनएलयू एलुमनी से सीखने की, वीकली इवेंट्स होते हैं आपके, एक्सेस मिलता है आपको नेशनल मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट का, ठीक है। आगे की बात करें तो बेटा, 5 जनवरी से आपका बैच आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर बैच, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर बैच आपका बेटा आ रहा है 5 जनवरी से, ठीक है। साथ ही साथ आपका 3 जनवरी से आपका द डीयू ड्रीम बैच आ रहा है 3 मंथ्स कोर्स के लिए, कोर्स के साथ ड्यूल एलबी एंट्रेंस 2022 के लिए जो भी इस, और 24 दिसंबर यानी कि कल से बेटा बैच आ रहा है आपका क्लैट 2023 के लिए डेडिकेटेड बैच आ रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सब में डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं बेटा मेरा कोड जो कि है काशी 10, ठीक है बेटा। आगे की बात समझते हैं, इमर्ज स्टार्टिंग ऑन 22 दिसंबर से आपका बैच स्टार्ट हुआ है क्लैट 2022 के लिए, ठीक है बच्चे। साथ ही साथ अनअकैडमी के लाइव क्विज फीचर ऐप की बात करें तो बेटा आपको यहां पर मिलती है लाइव क्विज फीचर, लाइव क्विज फीचर जो ऐप है उसमें बेटा आप क्या कर सकते हो, चाहो तो क्विज में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और बेटा चाहो तो आप इसको होस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे की बात अगर बच्चे हम लोग समझें तो बेटा यूलेट अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बेटा 60 मिनट का, 60 क्वेश्चंस के लिए 60 मार्क्स के लिए, और वीकली ड्यूरेंटी टेस्ट होता है बेटा 20 मिनट्स के लिए, 20 क्वेश्चंस के लिए 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। आगे की बातें समझें तो बेटा इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, लर्नर्स के लिए पोल होते हैं, रेज अ हैंड का ऑप्शन मिलता है आपको, आपकी क्लासेस नहीं मिस होती कभी, लेक्चर नोट्स आपको मिलते हैं प्रॉपर, और एनीवेयर एनी टाइम क्लास अटेंड करने का मौका आपको मिलता है। तो बच्चे शुरू करते हैं, हमारा आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है आज इसका, ठीक है। तो बेटा यहां पर समझने से पहले जैसे मैं बात करूं तो सपोज दैट इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जैसे ए है, ए कोई बंदा है, वो किसी वर्क को एक्स डेज में फिनिश करता है और बी हो गया उसी वर्क को वाई डेज में फिनिश करता है। तो बेटा इनका मैंने एलसीएम लिया, कितना हो गया आपका एक्स वाई हो गया, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स किया हमारा वाई आ गया, एक्स वाई डिवाइड बाई वाई किया हमारा एक्स आ गया, ठीक है। आगे की बात समझते हैं तो बेटा ये जो एक्स वाई है इसको हम लोग कहते हैं आपका क्या, टोटल वर्क, और ये जो y है इसको हम लोग कहते हैं x वन डेज वर्क, और ये जो ये है इसको कहते हैं बेटा a का, सॉरी इसको कहते हैं b's वन डेज वर्क, ठीक है। अब बेटा यहां से पूछा जाता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में, इन हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो बेटा टोटल वर्क यानी कि एक्स वाई, उन दोनों का एक दिन का काम यानी कि बेटा एक्स प्लस वाई, यहीं से एक ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है कि इन हाउ मच टाइम दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो बेटा इन एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका। बताइए जी, बात क्लियर है सभी को बेटा। ठीक है, तो बेटा अगर ये क्लियर है तो ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताना बेटा, सारे लोग जल्दी से बेटा कमेंट करके पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बेटा।
बेटा बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट से आपका पहला क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? हाँ ए कैन डू अ वर्क इन 8 डेज वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज, ठीक है? इफ ए एंड बी डू द सेम वर्क टूगेदर इन हाउ मेनी डेज इट विल बी कंप्लीटेड, तो बेटा यहां पर आपके फ्रैक्शन में आंसर आएगा। एक ऑप्शन यहां पर एड है, ई नन ऑफ दीज, ठीक है? तो बेटा अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो बेटा ए जो है वर्क करता है आपका 8 डेज में, बी जो है वर्क करता है बेटा 6 डेज में, एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, राइट? तो 8 ये आपका 3 हो गया, ये बेटा आपका 4 हो गया, तो टोटल वर्क आपका कितना हो गया एक्स वाई यानी कि 24 अपॉन एक्स प्लस वाई यानी कि बेटा 4 + 3 यानी कि 7, तो कितना आ जाएगा बेटा 3:3/7 days आपका आंसर आ जाएगा। बताइए बात क्लियर है, 3:3/7 days आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बेटा बात क्लियर है सभी को? बताइए जल्दी से बेटा सारे लोग, सभी को बात क्लियर है यहां तक? अगर बेटा बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यहां पर आपका जो है ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में भी आपका ई ऑप्शन क्या है इंक्लूड है, जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, ठीक? कमेंट फास्ट। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 5 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ एंड दिस वर्क टूगेदर, प्लीज कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 5 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ एंड दिस वर्क टुगेदर, प्लीज कमेंट फास्ट। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 5 डेज एंड इवन बी कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज, तो बेटा एलसीएम अगर ले लें तो 10 हो जाएगा आपका, ये 2 टाइम जाएगा या बेटा आपका 1 टाइम जाएगा, तो वही एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई यानी कि 10/2+1 यानी कि बेटा 3 कितना आ जाएगा, 3:1/3 days आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आपका आंसर कितना आ जाएगा 3:1/3 days, बताइए बेटा बात क्लियर है सभी को? जल्दी से बच्चा सभी लोग कमेंट करके बताओ बात क्लियर है, अगर बेटा बात क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं प्लीज। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सारे लोग क्या हो जाएगा, ठीक? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर। सोहन वर्क्स 1/10 एवरी डे एंड टुगेदर विद दीपक ही कंप्लीट्स द वर्क इन 6 डेज, इन हाउ मेनी डेज दीपक अलोन विल कंप्लीट द वर्क, जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है? जल्दी से बेटा बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट फास्ट एवरीवन।
चलो बेटा कमेंट फास्ट, अभी किसी का आंसर नहीं आया। बेटा सिंपल सा है, सोहन वर्क्स 1/10 एवरी डे। 1/10 एवरी डे का मतलब क्या हो गया, सोहन जो है बेटा, सोहन वो 10 डेज में आपका वर्क कंप्लीट करता है। एंड टुगेदर विद दीपक, तो सोहन प्लस दीपक जब वर्क करते हैं देन द वर्क विल कंप्लीट इन 6 डेज। एलसीएम ले लिया हमने, कितना हो गया 30 हो गया, ये बेटा 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो सोहन की वैल्यू आ गई 3 और दीपक की वैल्यू आ गई बेटा आपकी कितनी 2, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज दीपक अलोन विल कंप्लीट दैट वर्क, तो बेटा दीप टोटल वर्क आपका कितना हो गया 30 हो गया अपॉन दीपक का वर्क कितना है एक दिन का 2 हो गया, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा 15 डेज में आपका दीपक क्या कर लेगा बच्चे, वर्क आपका कंप्लीट कर लेगा। बताइए बात क्लियर है क्या क्या। देखो ये जो होती है ना बेटा, ये आपकी इफिशियंसी होती है, वन डे का वर्क होता है। तो सोहन अगर एक दिन में आपका 3 वर्क कर रहा है तो इस मींस आपका दीपक एक दिन में कितना वर्क कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा। टोटल वर्क तभी तो आपका 5 है, तो सोहन का 3 हो गया, दीपक का 2 हो गया। तो बेटा 30 वर्क को अगर 2 की यूनिट की इफिशियंसी से किया जाए तो कितने दिन में आपका वर्क फिनिश हो जाएगा बेटा, 15 डेज में आपका बच्चे वर्क फिनिश हो जाएगा यहाँ पर। बताइए बात क्लियर है, अगर बेटा बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना प्लीज। अगर बच्चे बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा। जल्दी से बेटा आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो आपका क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 16, 20 एंड 24। तो बेटा ए हो गया आपका 16 डेज में, बी हो गया बेटा आपका 20 डेज में एंड सी हो गया आपका 24 डेज में। बताइए जी हाँ या ना। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो बेटा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, यह आपका 240 आ गया, बोलो जी हाँ या ना, ठीक है। तो बेटा यह आपका 15 टाइम गया, यह आपका 15 टाइम गया, ठीक है। यह आपका कितने टाइम गया, 12 टाइम गया, और यह आपका बेटा कितने टाइम गया, 10 टाइम गया। अब क्या है, उन तीनों बंदों को क्या करना है बेटा, काम करा देना है। उन तीनों बंदों से क्या करना है, काम आपका करा देना है। यहां पर एक ऑप्शन हम लोग और ले लेते हैं, NOT, यानी कि none of these, ठीक। एक्चुअली में हुआ क्या, पीपीटी जो हमारा वर्क क्या वो उसको बोलते हैं वर्ड पैड, उसमें तो बेटा सब सही था, लेकिन जब मैंने उसको पीपीटी में कन्वर्ट किया तो उसके फ्रैक्शन वाले डिजिट क्या हो गए, गायब हो गए, समझे। तो जितने भी आंसर आपके फ्रैक्शन में आ रहे होंगे उसमें मैं इसीलिए NOT यानी कि none of these आपका लेकर चल रहा हूं, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। तो 240 वर्क को अब हम लोग 240 वर्क को क्या करें बेटा, तीनों से हम लोग करा देते हैं। 240 वर्क को क्या करें, तीनों बंदों से करा देते हैं। तो देखिएगा 240 वर्क को, तो कितना हो गया 15, 12 आपका 27 प्लस 10 यानी कि 37, कितना हो गया 37 हो गया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे, 240 डिवाइड बाई आपका 37 कितनी बार जा सकता है आपका, ये लगभग अगर मैं 7 टाइम ले जाऊं, 37 इंटू 7 कितना हो गया आपका,
259 नहीं, 6 टाइम ले जाना पड़ेगा हमें। देखिए ट्रिपल टू आ गया, तो कितना आ गया बेटा, 6 टाइम हम लोग इसको ले गए, ट्रिपल टू आ गया आपका, ये कितना बचा, ये हमारा बचा 18, तो कितना आ जाएगा, 6:18/37 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और बोले तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या आपका, ई। ऑप्शन नंबर बच्चे आपका क्या, ई। बताइए बात क्लियर है। ठीक है, अगर बेटा बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। जल्दी से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से स्टूडेंट सारे लोग बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली, टुगेदर द थ्री विल कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है ना, तो देखिए ए हो गया बेटा 24 डेज में कर लेता है, बी हो गया आपका 6 डेज में कर लेता है, और सी हो गया आपका 12 डेज में कर लेता है। तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो बेटा कितना हो गया आपका, ये हो गया 24 आपका, वन टाइम गया, फोर टाइम गया एंड टू टाइम गया। तो अब अगर इसको कराया जाए तो बेटा इसको कराया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 24 को अगर आपका 4:2:6:1:7 से कराया जाए तो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, 3:3:7 डेज में आपका बेटा क्या हो जाएगा, वर्क आपका फिनिश हो जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर, 3:3:7 डेज बेटा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहां पर। बताइए जी बात क्लियर होगी सभी को, अगर बेटा बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगर बच्चे बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। देखिए ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क, तो ए प्लस बी टुगेदर बेटा 72 वर्क डेज में वर्क कर रहे हैं, बी एंड सी, बी प्लस सी कर रहे हैं बेटा कितने दिन में, 120 डेज में, और ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं आपका, 90 डेज में बेटा वर्क कर रहे हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए सारे लोग क्या हो जाएगा, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। जल्दी से बेटा कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए सारे लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर। जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करो आंसर बताओ।
देखिए जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो बेटा आपका जिस इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 316, ये गया आपका 5 टाइम, ये गया बेटा आपका 3 टाइम और ये गया आपका 4 टाइम। ठीक, जब आप देखोगे तो ए आपका 2 बार इंक्लूड है, बी आपका 2 बार है, सी आपका 2 बार है। तो बेटा जब मैं इसको लिखूंगा तो लिखूंगा कुछ इस तरह से 2A प्लस 2B प्लस 2C मिलकर कितना वर्क कर रहे हैं, 538 प्लस 4 यानी कि 12 वर्क आपका कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का वर्क कितना आ जाएगा आपका बेटा, ये आपका 6 वर्क आ जाएगा। किसका पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज ए एलोन कैन डू द वर्क, तो बेटा ए का पूछा गया यानी कि बी की प्लस सी की एफिशिएंसी यहां से हटाओ। तो ए बी प्लस सी की एफिशिएंसी बेटा आपकी यहां पर कितनी है, 3 हमने निकाली है, तो प्लस का 3 इज इक्वल्स टू आपका 6, तो ए की एफिशिएंसी बेटा यहां से कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। तो 360 वर्क को 3 एफिशिएंसी से करने में ए को कितना टाइम लगेगा बेटा, ए को लगेंगे 120 डेज। कितने दिन लगेंगे बेटा, 120 डेज लगेंगे। बताइए जी बात क्लियर है सभी को, बताइए जी बेटा बात क्लियर है सभी को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर बच्चे बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा क्या हो जाएगा। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो और जल्दी से और आंसर बताओ क्या होगा। देखिए अगर बेटा मैं सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को तो देखिए क्या है हमारा, राम प्लस रतन, ये आपके राम प्लस रतन, ठीक है, कैन डू द वर्क इन 12 डेज, रतन प्लस राम, सॉरी रतन प्लस सुधीर कैन डू द वर्क इन 8 डेज एंड सुधीर प्लस राम, सुधीर प्लस राम कैन डू द वर्क इन 15 डेज। तो बेटा जब मैंने इसका एलसीएम ले लिया कितना आ गया आपका, ये 120 आ गया। तो यहां पर आया आपका 10, ये आ गया बेटा आपका 15 और ये आ गया आपका 8। तो जब मैं वही प्रोसेस है, हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 2 राम प्लस 2 रतन प्लस 2 सुधीर मिलकर कितना वर्क कर रहे हैं बेटा, 15 8 23 23 प्लस 10 यानी कि 33 वर्क। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो राम प्लस रतन, रतन को आईटी कर दिया, प्लस सुधीर कितना वर्क कर रहे हैं बेटा, 33 कर रहे हैं, तो मैं कट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 16.5। अब पूछ रहा है राम इन हाउ मेनी डेज राम एलोन कैन डू द वर्क, तो राम का पता करना है यानी कि रतन प्लस सुधीर को गायब करना पड़ेगा और रतन प्लस सुधीर की एफिशिएंसी है बेटा आपकी कितनी, 15। तो राम प्लस 15 इज इक्वल टू आपका 16.5, तो राम इज इक्वल टू हो गया बेटा 1.5, आपका कितना हो गया 1.5। तो 120 वर्क को 1.5 की स्पीड से करने में बेटा कितना टाइम लगेगा आपको, 80 डेज लगेंगे। कितने डेज लगेंगे बेटे, 80 डेज लगेंगे उसको वर्क कंप्लीट करने में। बताइए जी हाँ या ना, जल्दी से बताओ बेटा हाँ या ना, बात क्लियर होगी सभी को। अगर बेटा ये बात क्लियर होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज जल्दी से सारे लोग। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज एंड सी एंड ए अलोन डू इट इन 20 डेज, सी अलोन विल कंप्लीट द वर्क इन फॉलोइंग टाइम। बताइएगा बेटा सी कितने दिन में आपका वर्क फिनिश कर लेगा, जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है प्यारा सा।
जल्दी से बेटा आंसर बताएगा इसका क्या हो जाएगा, ठीक? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से बेटा आंसर बताओ इसका क्या होगा। चलो समझते हैं, ये आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। तो बेटा क्या कह रहा है, ए प्लस बी कैन डू द वर्क इन 10 डेज, बी प्लस सी कैन डू द वर्क इन 15 डेज, एंड सी प्लस ए कैन डू द वर्क इन 20 डेज। तो जब मैंने एलसीएम ले लिया तो बेटा 60 हो गया, ये 6 टाइम, 4 टाइम एंड 3 टाइम गया। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी यहां से कितनी आ गई आपकी, 13 आ गई। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी बेटा यहां से आपकी 6.5 आ गई। सी का पूछ रहा है यानी कि ए प्लस बी को गायब करें, तो बेटा ए प्लस बी की इफिशियंसी आपकी 6 है, तो 6 प्लस सी इज इक्वल टू 6.5, तो सी इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 0.5 आ गई। सी की इफिशियंसी बेटा कितनी आ गई, 0.5 आ गई। तो 60 वर्क को अगर सी करेगा 0.5 की स्पीड से, तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगा देंगे, तो ये आपका 12 हो गया, यानी कि सी बेटा कितने दिन में फिनिश कर लेगा, 120 डेज में बेटा वर्क वो क्या कर लेगा, फिनिश कर लेगा। बताइए जी हाँ या ना, जल्दी से बेटा सारे लोग कमेंट करके बताओ हाँ या ना, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा क्या है, आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, डेली की तरह जैसे मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, उसी तरह बेटा ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इसका आंसर बेटा क्या करना है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखेगा आप सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स बेटा क्लैट 2022, 23 एंड 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बैचेस शेड्यूल हो चुके हैं अपकमिंग दिसंबर एंड जनवरी में। ठीक है, तो अगर बेटा आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 मंथ का, तो वो आपको पड़ता है 4,200 रुपीज़ का, और इसी के अगेंस्ट बेटा जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 24 मंथ्स का, तो वो बेटा आपको पड़ता है जस्ट 1,400 रुपीज़ पर मंथ का। ठीक है, फिर और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है 1,500 रुपीज़ पर 1,500 रुपीज़ पर मंथ का, एंड 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है बेटा 1,900 रुपीज़ पर मंथ का। और इसमें भी डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बेटा मेरा कोड जो कि है काशी10, जिस पर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। बेटा ये आपके लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी क्यों है, अगर इस बारे में बात करें तो सब्सक्रिप्शन बेटा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप वहाँ पर अपने डाउट्स बिल्कुल आप अपने एजुकेटर से बात करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक हैंडरेज का ऑप्शन आपको मिलता है, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप बिल्कुल जैसे ऑफलाइन कोचिंग्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वहां पर चाहे हेजिटेशन भी करते हो, बट यहां पर आप हैंड रेज करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपना डाउट यहां पर एजुकेटर से पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे की बात अगर मैं करूं तो बेटा जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको बेटा प्रॉपर आती रहे। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन। ठीक है, जिससे आप लोगों के दोस्त भी इसका जो है यूज ले पाए, जो आप के लिए क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और अनएकेडमी पर आप बेटा मेरी क्लास होती है दोपहर में 2 बजे और शाम को 9 बजे, तो आप उनको अटेंड कर सकते हैं और उसे अनलॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड जो कि है बेटा काशी10। कितना है कोड, KASHI10, जिस ठीक है अनलॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं बेटा मेरा कोड जो कि है काशी10। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय।